सत श्री अकाल फ्रेंड, मैं लवजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गुड बॉय में। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो यहां पर देखिए, मेरे पास व्हाट्सएप है, तो इस पर मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगाया है। जहाँ पर मेरा सेंसर है वहाँ पर ही मैं अपनी उंगल को अपनी फिंगर को टच करूँगा तो लॉक खुल जाएगा। तो मैं, मेरे पास ड्यूल ऐप है, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप किया। यहाँ पर देखिए, आपको साइड में तीन डॉट्स दिख रही होंगी, उसे ऑप्शन बोलते हैं। आपने ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे नीचे है सेटिंग्स, आपने सेटिंग्स पर जाना है और नीचे आ गया है अकाउंट। अकाउंट पे आपने क्लिक करना है और सबसे पहले वाली ऑप्शन को चुन लेना है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी को चुनने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो आपने सबसे नीचे देखना है फिंगरप्रिंट लॉक, यहाँ पर डिसेबल है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो सेंसर है जहां पर भी होगा वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने वहां पे वेरीफाई कर देना है अपना फिंगरप्रिंट। अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगाया होगा तो ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने स्क्रीन लॉक खोलने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई हुआ है मेरा, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट्सएप बंद होने के इमीडिएटली बाद लॉक लग जाए, एक मिनट या आधा घंटे बाद, तो मैं कर देता हूँ इमीडिएटली। तो यहाँ पर इमीडिएटली करके बैक कर दिया, अब मैं सारा बैक चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं होम स्क्रीन पे आ गया और अब मैं अपनी व्हाट्सएप खोलूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरा व्हाट्सएप लॉक जो है लग चुका है, तो मैं इसका स्क्रीन शॉट भी ले लेता हूँ। तो मैं अभी इसे खोलता हूँ। अगर आप नहीं खोलते हैं तो आप कहीं और टच हो जाता है या कुछ और मैसेज वगैरह आ जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट ऑपरेशन कैंसिल बाय यूज़र हो जाएगा, तो खुलेगा नहीं। तो आप फिर से बैक जाएंगे और अपने व्हाट्सएप को खोलेंगे, तो अपना फिंगरप्रिंट जहां पर आपका सेंसर है वहां पर लगाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट खुल जाएगा। ये वो वाला अकाउंट है जहाँ पर मैंने अपनी फिंगरप्रिंट पहले लगाया हुआ है, पहले व्हाट्सएप पर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे आपने प्राइवेसी में जाकर फिंगरप्रिंट को इनेबल कर देना है डिसेबल से। तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ और फिर ऑप्शन में गया, सेटिंग्स में गया, अकाउंट प्राइवेसी में गया और लास्ट में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपने जिसे ऑन किया था उसे आपने क्लिक करके ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ हो गया, अब मैं फिर से दोबारा से इसे खोल कर देखता हूँ कि क्या ऑफ हुआ है जहाँ अभी तक है। तो यहाँ पर देखिए, आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गुड बॉय।